नमस्कार, आप देख रहे हैं जीनिस पोर्टल और मैं राजन प्रसाद। कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार हमारे जो अधिकारी हैं गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसका पालन करवाने के लिए लगातार फीडबैक ले रहे हैं और गांव में घूम घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और समझा रहे हैं। इसी कड़ी में आज 52वां CO तेज कुमार पाठक, घनश्याम तहसील नायब तहसीलदार घनश्याम मीणा लगातार लोगों के बीच में हैं और कहीं न कहीं लोगों को जागरूक करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन्होंने कोरोना संक्रमण की जो लहर है वो कम देखने को मिली और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे पुलिस प्रशासन को जो लगातार लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। और आइए अब मैं आपको हमारे CO साहब से आपको अवगत कराता हूँ कि आज लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कहीं कहीं उनके नेतृत्व में हमारे क्षेत्र के अंदर कोरोना संक्रमण की जो पकड़ थी उसको मजबूती से पकड़ी और कहीं कहीं हम लोगों को उन्होंने सुरक्षित रखा। सर, सबसे पहले तो आपको जी न्यूज़ पोर्टल बहुत बहुत स्वागत है कि जिस प्रकार आप कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हो और आप लोगों से क्या कहना चाह रहे हो सर? देखिए सर, पूरा व्रत 52वां जिसमें बटोदर थाने के थानाधिकारी हमारे आदरणीय तहसीलदार साहब हैं, हमारे SDM साहब हैं, सभी के मार्गदर्शन के अंदर हमारी कोशिश यही रही है कि इस क्षेत्र के अंदर कोरोना का फैलाव जो है वो ज़्यादा ना हो। बाकी सभी जगहों से अपना बाटोदा और 52वां क्षेत्र जो है वो कंपैरेटिवली सुरक्षित रहा है। वाहनों का मूवमेंट भी कम है, लोगों का मूवमेंट भी कम है, लोगों में मास्क पहनने की जागरूकता आई है। तो ये पिछले 15-20 दिन के अंदर जो मेहनत की है, महीने भर में जो मेहनत की है उसका परिणाम है। कोई दुकान अवैध अगर खुली भी दिखाई देती है तो उसको तुरंत सीज करते हैं। पहले भी तहसीलदार जी और थानेदार जी ने इस एरिया के अंदर कार्रवाई की है। तो एक मैसेज जो है जनता में ये देने की जा रही है, किसी को परेशान करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि सभी के अंदर जन अनुशासन पैदा हो, जैसा कि CM साहब, माननीय CM साहब चाह रहे हैं, उसी को लेकर के हम लोग ये सारे के सारे प्रयोग करते हैं और आप देख लीजिए कितना सफल है, कितना असफल है। बिल्कुल सर, मैं लगातार आप फील्ड में हूँ और फील्ड का हम भी लेते रहते हैं। तो कहीं कहीं आपकी जो जागरूकता के कारण आज लोगों में कहीं कहीं अभी भी मैं देख के आया हूँ, हमारे पास सवाई माधोपुर से अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें कहीं कहीं अपने जो ग्रामीण क्षेत्रों का जो रेशो है वो कहीं कहीं ऐसे गाँव हैं जहाँ हमने कोरोना को मात दी है। बिल्कुल, गाँव के अंदर जो शादी समारोह हो रहे थे उन शादी समारोह के अंदर तहसीलदार जी, थानेदार जी लगातार जाकर के अपने बीट कॉन्स्टेबल्स जो हैं उनकी मदद से ये चेक करवा रहे थे कि कहीं अनावश्यक भीड़ इकट्ठी ना हो। इसका बहुत अच्छा मैसेज गया है। गाँवों के अंदर जो शादी समारोह में लोग अनावश्यक इकट्ठे हो रहे थे उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। तो इस लिहाज से अभी सारी चीज़ें कंट्रोल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।